तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिर्ची का पकौड़ा है और एकदम अच्छे से हमारा बन के तैयार हो गया है। खाने में एकदम टेस्टी है और इसमें आलू मसाला मैं भर के बनाई हूँ, तो आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना अच्छा बना हुआ है। और ये देखिए इतने अच्छे से भरा हुआ है और खाने में बहुत टेस्टी होगा। तो आप चाहे मीठी चटनी से, चाहे तीखी चटनी से, किसी भी चटनी से आप खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। कैसे बनाना है तो आप हमारा वीडियो शुरू से एंड तक देखिए, और एकदम इजी तरीका है और एकदम कम बजट में एक नंबर का स्वाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची का पकौड़े। ये मिर्ची का पकौड़े बहुत अच्छा लगता है खाने में और एकदम टेस्टी लगता है। ये मिर्चा ज़्यादा तीखा नहीं होता है और खाने में एकदम स्वादिष्ट होता है। तो देखिए हम मिर्ची का पकौड़े एकदम अलग तरीके से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए चार उबला आलू ले ली हूँ मैं और ये मिर्चा ले ली हूँ। धो के इसको सूती कपड़े में अच्छे से पोंछ लेना है, इसका पानी एकदम अच्छे से सुखा देना है। और इसको देखिए चाकू से हम इस तरह से इसको काटेंगे, देखिए एकदम बीच से इसको ऐसे कट करेंगे। और जो ये इसका बीज है, इसका बीज हम ऐसे निकाल लेंगे, इस तरह से हम निकाल के इसको साइड में रख लेंगे। और इसको देखिए ऐसे करके इसको हम रख देंगे। तो चलिए इसमें मिर्चे में भरने के लिए हम मसाला चोखा बनाएंगे। तो इसको चोखा हम अच्छे से बनाने जा रहे हैं। तो इधर मैं कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साबुत धनिया है, इसको हल्का सा हम क्रश कर लिए हैं। और 1/4 चम्मच जीरा है, ये लहसुन है, ये मिर्चा है। मिर्चा आप अपने जितना तीखा पसंद करते हैं उसी के हिसाब से मिर्चा लेंगे। और ये धनिया की पत्ती है। तो यहाँ पे मैं तेल ली हूँ, 1.5 चम्मच तेल है, ज़्यादा नहीं। और इसको मैं गर्म होने दे रही हूँ। तो ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे और ये साबुत धनिया भी डाल देंगे। इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया। तो इसी स्टेज पे ये लहसुन और मिर्चा हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे। तो आप कोई सा भी पकौड़े बनाइए उसमें हींग ज़रूर डालिए, क्योंकि ये हींग नुकसान नहीं करता है और पकौड़ी में बहुत अच्छा स्वाद आता है और पेट ख़राब नहीं होता है। तो लहसुन और मिर्चा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब ये आलू हम ऐसे इसको मिक्स करके इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा मसाला डाल लेते हैं। तो ये देखिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/4 चम्मच गरम मसाला है और धनिया पाउडर एक ही में मिक्स है। और अपने स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं और खटाई भी डाल सकते हैं, पर हम ज़्यादा सामान का इस्तेमाल नहीं करूँगी। हम बस थोड़े से सामान में एकदम मस्त पकौड़ी बनाएंगे जो खाने में एकदम टेस्टी लगे और सामान भी कम लगे। ये थोड़ा सा धनिया की पत्ती भी डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चोखा एकदम अच्छे से बन गया है। अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल के रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद से हम बताते हैं पकौड़ी कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसन है। जब तक हमारा चोखा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम बेसन फेंट के रख लेते हैं। तो ये बेसन है, इसमें हम मसाला ऐड करते हैं। तो ये देखिए 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर है और 1/4 चम्मच ये हल्दी है। और नमक हम इसमें थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि चोखे में नमक हम डाल रखे हैं। ये थोड़ा सा हींग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल का आटा है, चावल का आटा हम 1.5 चम्मच इसमें डाल देंगे। तो चावल का आटा हम इसलिए डालेंगे इसमें कि ये हमारा पकौड़ी एकदम क्रिस्पी और खाने में एकदम अच्छा लगे, तो इसलिए हम चावल का आटा डालते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो आपको इस तरह से फेंटना है, आपको हाथ एक ही साइड चलाना है, दोनों तरफ से नहीं फेंटना है। और ये देखिए जो बबल्स है इसको एकदम अच्छे से फेंटिए, इसमें बबल्स ना रहे। तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको हम फेंटेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चोखा एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है और चोखे को हम इस तरह से इसमें भर देंगे। और देखिए इस तरह से अगर आप बना के खाएंगे, चाहे नाश्ते पे खाइए, चाहे चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ, चाय के साथ, बहुत अच्छा लगेगा खाने में और एकदम मन खुश हो जाएगा खाते ही।
तो ये ऐसा पकौड़ी है कि आपको देखते ही मन करेगा बना के खाने के लिए। तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करिए और खा के देखिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पकौड़ी आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चोखा है ये मिर्ची में मैं अच्छे से एकदम भर ली हूँ। अब चलते हैं हम इसको फ्राई करने। तो यहाँ पे मैं बेसन फेंट के 2 मिनट रख दी थी ढक के। अब इसके बाद से हम फ्राई कर देख सकते हैं बेसन को हम इतना ही पतला की हूँ कि देखिए एक तार हो के गिर रहा है। तो हमको इतना ही गाढ़ा बेसन चाहिए, इससे पतला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर का इस्तेमाल की हूँ, वो है फूड कलर। इसको हम एकदम हल्का सा डाली हूँ कि जो बाज़ारों में मिलता है ऐसे ही मिलता है, वो सब कलर डाल के बनाते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसको हम ऐसे कढ़ाई में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैं ऐसे करके इसको पलट दी हूँ, देखिए एक तरफ से हो गया है और कलर भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मार्केट के जैसा लग रहा है। तो आप अगर कलर डाल के बनाएंगे तो ऐसा होगा, और बिन कलर का थोड़ा सा सादा होगा, पर कलर वाला कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसको अब हम निकालने जा रहे हैं, अलग प्लेट में इसको रख लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।